फॉल में जो ट्री के कलर चेंज होते हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। चप्पू है, चप्पू से चलाएंगे, रिवर राफ्टिंग करेंगे, मजा लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ से ब्रिज में चलेंगे। तो अभी हम लोग ब्रिज के सेंटर में, तो अभी हम लोग काफी अंदर आए हुए हैं इस फॉरेस्ट के अंदर। तो हेलो दोस्तों, मैं मुनीश देवगढ़, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों आज हम लोग आए होयो पाइल स्टेट पार्क। एक बात आपको बता दूं दोस्तों, अमेरिका में आप कहीं पर भी चले जाओ ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें सेम ही दिखेंगी, वही रोड के रूल एंड रेगुलेशन, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा। बट अमेरिका में जितने भी स्टेट पार्क है वो सारे यूनिक है, जितना मैं समझ सकता हूँ, जितना भी हम लोग घूमे हैं स्टेट पार्क में। तो वही दोस्तों, हम लोग आज होयो पाइल स्टेट पार्क आए हुए हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया ब्यूटी है, जो कि 20 एकड़ में फैला हुआ है, पूरा नेचुरल ब्यूटी जो बोलेंगे हम इसको। और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि बोटिंग होती है, हाइकिंग होती है, फिर यहाँ वाटरफॉल है और साइकिलिंग वगैरह, बहुत एक्टिविटीज़ हम लोग यहाँ कर सकते हैं। तो लेट्स गो और देखते हैं यहाँ का मतलब कितना सुंदर सीन है और वाटरफॉल्स कैसे हैं। करेक्ट। और दोस्तों आज खास बात ऐसा है दोस्तों कि फॉल सीजन शुरू हो गया अमेरिका में, और फॉल सीजन जो है कि जिसमें पत्तों का कलर चेंज हो जाता है और जो ट्रीज़ है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, कलरफुल लगती है। तो वो फॉल का सीज़न भी है और लकीली आज वेदर भी बहुत अच्छा है, इसलिए आप यहाँ पे बहुत रश देखोगे, काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। और बाकी हम अलग अलग डायरेक्शन से देखेंगे तो उसकी ब्यूटी और एनहेंस होगी, और हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वो कैसा दिख रहा है वाटरफॉल। करे करे, तो चलते थोड़ा आगे, थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं और ये जर्नी शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आए इंफॉर्मेशन सेंटर में, तो ये वो सेंटर है दोस्तों, यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा हमको कि यहाँ होयो पाइल प्लस आसपास में क्या क्या एक्टिविटीज़ है, क्या क्या अट्रैक्शंस है जहाँ पर हम लोग जाकर घूम सकते हैं, देख सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। तो हॉर्स राइडिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड ऑल एवरीथिंग इन द ट्रैकिंग एंड ऑल सब होती है। अभी हम लोग जाएंगे तो कुछ लोग स्टिक लेकर भी आए हैं, सो दैट कि वो लोग पहाड़ पे इजीली चढ़ सके। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओयो स्टेट पार्क का पूरा मैप बना हुआ है, और यहाँ पे आने के बाद ये मैप देखने से आपको इजी होता है कि आपको जाना कहाँ कहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 11 एक्टिविटीज़ है यहाँ पे दिख रही है, मतलब कुछ वाटरफॉल्स है, कुछ स्लाइड्स है, तो ये मैप बने हुए हैं और इसमें हमें पता चलता है कि अभी हम हैं कहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ बीच में हैं, मिड सेक्शन में हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जहाँ जाना है हम वो मैप के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। इसका नाम क्या है? दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन सेंटर के नीचे वाले फ्लोर पे सारा कुछ अच्छा खासा डिपिक्ट किया हुआ है, जो भी इस ओयो पर स्टेट पार्क में है, फॉरेस्ट वगैरह जितना भी है सारा फेक यहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ है। बट दैट्स रियली गुड एक्चुअली, इट विल गिव यू रियली गुड इन्फॉर्मेशन कि आपको यहाँ पार्क में आप क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या करना चाहिए। ये देखो दोस्तों, ये पूरा यहाँ पर डिपिक्ट किया हुआ है, बहुत ही इंटेलिजेंटली डिपिक्ट किया हुआ है यहाँ पर ये सारा कुछ। हाइकिंग वगैरह जो भी है दोस्तों, जो मुझे करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, कई क्या क्या टेक्निक मुझे यूज़ करना चाहिए, वो सारा कुछ इस डिजिटल स्क्रीन पे सारा कुछ अवेलेबल है दोस्तों। तो मुझे बस टाइप करना है एंड देन आई कैन लर्न फ्रॉम हियर। दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग पहुँच गए ऑब्जर्वेशन डेक पे, तो यहाँ पर पूरा बहुत ही सुंदर लगता है। ये थोड़ा और फॉल के करीब लेकर आया है ताकि हम लोग बहुत ही अच्छे से व्यू कर पाएँ। तो ये कुछ ग्लास लगा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, सो दैट कि हम लोग आगे ना जाए ज़्यादा, बट इट लुक्स रियली वेरी नाइस फ्रॉम हियर। फॉल में जो ट्री के कलर चेंज होते हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके से दिखते हैं, कैसा डिफाइन हो रहा है कैमरे में पता नहीं दोस्तों, बट इट लुक्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। तो अभी चलते दोस्तों थोड़ा आगे, तो वहाँ पे काफ़ी लोग दिख रहे हैं दोस्तों मुझे उस पॉइंट पे, वहाँ पर भी जाके देखते हैं कि किस तरीके से दिखता है। तो दोस्तों आप देख सकते होंगे कि जो ट्री है उसका कलर कितना प्यारा लग रहा है, ये देखो दोस्तों, ये एक्चुअल फॉल सीजन है। वैसे हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटो खींचा है कई दूसरे पार्क में जाके फॉल सीज़न का मज़ा लेने के लिए, बट यहाँ पर मुझे दिखा तो मैं सोचा चलो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो हम लोग साथ साथ ये भी देखेंगे दोस्तों कि आगे में जितने भी पेड़ है, जितने भी ट्रीज है, कैसे कलर चेंज होते हैं इन सब के। दोस्तों फाइनली डेक के ऊपर चढ़ गए हम लोग, और यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है। देखो आप देख सकते होंगे यहाँ पर छोटे छोटे डेक बने हुए हैं, लोग अच्छा खासा यहाँ पर आने के बाद में बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है दोस्तों, पता नहीं कैमरे में कैसा आ रहा है, बट उस साइड भी लोग गए हुए हैं और ऊपर में लोग हाइकिंग के लिए गए हुए हैं। और आप देख सकते होंगे जितने भी पेड़ हैं सारों के कलर चेंज हो गए दोस्तों, और चेंज हो गए मतलब बहुत अच्छी तरीके से हुए हैं, जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं।
और इसके बीच में अंदर में लोग हाइकिंग कर रहे हैं, तो आप सोच सकते होंगे कि नेचुरल ब्यूटी के अंदर में हाइकिंग कर रहे हैं विथ ब्यूटीफुल कलर ऑफ ट्रीज, इट्स रियली वेरी नाइस एक्चुअली। तो मुझे सोच के बहुत ही मतलब कैसा लग रहा है प्रेरणा? बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त ऐसा लग रहा है, देखते ही रहो अच्छे से। और मेन तो दोस्तों वेदर बहुत ही प्यारा है आज का, हल्की सी धूप है, हल्की सी ठंड है, गुलाबी ठंड जिसको बोलते हैं, और साथ में इतना बढ़िया मौसम और कलरफुल पेड़ फॉल आप देख सकते हो। हाँ। दोस्तों काफी लोग आए हुए हैं यहाँ पर, हम लोग जाते नीचे। अरे हाँ तुम लोग जाओ नीचे जाओ। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा ब्रिज की तरफ में, और ये जो ट्रैक बना हुआ है दोस्तों बहुत ही अच्छा ट्रैक बना हुआ है। बाजू में रिवर चल रहा है जहाँ पे फॉल देखे हम लोगों ने, और मेरा लेफ्ट साइड में रोड है, रोड के उस पर सारे होटल्स एंड जो भी कॉफ़ी सेंटर वगैरह है सारा कुछ है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो भी रास्ते में ट्रीज़ वगैरह है, कलर चेंज हो गए इन लोगों इनके, और पूरा फॉल सीजन है। ये देखो पत्ते सारे गिरे हुए हैं नीचे में कुछ इस तरीके से, मोहब्बतें मूवी की याद आ जाती है दोस्तों ये नीचे गिरे हुए पत्तों को देखकर। तो दोस्तों अभी ये जेंटलमैन बोट रेडी कर रहे हैं रिवर राफ्टिंग के लिए, तो यहाँ पर रिवर पे ये उतरेंगे और फिर रिवर राफ्टिंग करेंगे। कुछ इस तरीके से बोट होती है दोस्तों, ये एयर निकाल के गाड़ी में पैक करके लेकर आए थे, और यहाँ पर आने के बाद में एयर ब्लो कर रहे हैं दोस्तों इसमें, कुछ इस तरीके से है। This vessel is called a shredder. It is manufactured here in Ohio Powell, Pennsylvania. The creator of it was a genius named Tom Love, who has recently passed away. So we're going to get on the water here just a little bit and enjoy this beautiful October day. Yeah, good, good, good. Thanks a lot for sharing inside of this particular boat. Yeah, what's your name, sir? My name is Larry. Larry? Yes. Yeah, Larry, thanks. Nice meeting to you, man. Nice meeting you. Yeah, take thank care. You. God yeah, bless. You too. Have a safe river rafting, okay? Thank you. Yeah. तो इस तरीके से पूरा तामझाम है दोस्तों। ये देखो ये चप्पू है, चप्पू से चलाएंगे, रिवर राफ्टिंग करेंगे, मज़ा लेंगे। तो चलते हैं अभी आगे दोस्तों। लोग अपने घर से टिफ़िन वगैरह लेके आते हैं, पिकनिक बनाते हैं यहाँ पर। दोस्तों आप देख सकते होंगे यहाँ पर पूरा रिवर चल रही है राइट साइड में मेरे, और लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक पार्किंग है, और उसके बाद में रोड है, और रोड के उस पर सारे होटल्स वगैरह हैं। दोस्तों इस तरीके की बाइक ज़्यादा चलती है, कुछ इस तरीके से है, तो आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत ही डेंजर लग रही है दोस्तों। अभी हम लोग नदी के किनारे आ गए एकदम पास में, और यहाँ इसके पास में जो खाने का मजा आएगा दोस्तों वो अलग ही रहेगा। तो प्रेरणा प्याज काटने का काम कर रही है, बेल और बना रही हूँ। भेल भेल बना रहे भेल बना रहे बढ़िया, यहाँ भेल भेल खाएंगे, और हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों भेल खाने के बाद में वो जो ब्रिज दिख रहा है दोस्तों वहाँ पर लोग अच्छा खासा वॉक कर रहे हैं, तो हम लोग चलेंगे वहाँ पर वॉक करेंगे, और वहाँ पर लोग साइकिलिंग भी करते हैं। तो दोस्तों रिवर के एकदम सामने में ना एक शॉप भी है दोस्तों, यहाँ पर सारा कुछ मिलता है, जैसे अभी ट्रेल करना है, अगर किसी से चलना नहीं हो रहा है तो यहाँ पर स्टिक भी मिलती है, बट काफ़ी महंगी है, $23 की है वो स्टिक। और यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर खाने पीने का भी सामान मिल रहा है, कपड़े और जो भी मतलब हाइकिंग वगैरह के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगता है वो सारा कुछ मिल रहा है, स्वेटर वगैरह वो सब भी है यहाँ पर, टी शर्ट्स एंड ऑल। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पर, और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर फूड सेक्शन में, फूड का सेक्शन भी है, हम सोचे थोड़ा फ्राइज लेते हैं। थैंक यू सर, फूड मिल गया दोस्तों अभी हमको, तो खाना पीना करते हैं उसके बाद में मिलते हैं। दोस्तों ये बहुत ही एंटीक कार दिखी मुझे यहाँ पर, इस तरीके की कार मैंने कभी देखा नहीं, मैं ज़्यादा कार का शौकीन हूँ नहीं, बट कुछ अलग तरीके की दिखी मुझे, आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों ये शेवरलेट कंपनी की कार है, बट कौन सी कार है मुझे पता नहीं, आप में से किसी को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कुछ इस तरीके से दिखती है दोस्तों, ये इंजन पूरा ओपन दिख रहा है मुझे यहाँ पर, टू सीटर ही है दोस्तों, टायर तो काफ़ी बड़े दिख रहे हैं दोस्तों मुझे इसके, चाबी भी लगी हुई है अंदर में, लेके जा सकते हैं हम लोग बट लेके जाएंगे नहीं, टू सीटर है दोस्तों कार, ये बहुत ही एंटिक लग रही है बट। सो दोस्तों यहाँ पर बाइकर्स भी आए हुए हैं, मौसम इतना अच्छा है तो बाइक में आने का मज़ा भी और बहुत ही अलग है। तो बाइक के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट इट लुक्स वेरी स्टनिंग, हार्ली डेविडसन का बाइक है ये, कितना पावर कितना सीसी का है इतना मुझे आइडिया नहीं है, अभी कुछ तो भी एडजस्टमेंट कर रहे इधर, बट पूरा ट्रूप आया हुआ है बाइकिंग का, यहाँ बाइकिंग करने के लिए। तो
दोस्तों अभी प्रेरणा और बच्चे सभी लोग ब्रिज के ऊपर पहुंच गए हैं और ब्रिज के ऊपर चलने का मज़ा लेने के लिए रेडी है। तो आप देख सकते होंगे और पीछे पूरा वही ट्री जो फॉल के समय कलर चेंज करता है। दोस्तों अभी चलते हैं ब्रिज के ऊपर, बच्चे लोग पहुंच गए हैं। सो दोस्तों यहाँ पर बाइक रेंट पे मिलती है, अगर कोई आता है यहाँ पर और रेंट पे बाइक लेना चाहता है तो ले सकते हैं दोस्तों यहाँ से। तो यहाँ पर बाइक मिलती है रेंट पे और मेंटेनेंस भी होती है, अगर अपना बाइक लेके आए कुछ पंचर वगैरह होता है तो भी आप यहाँ पे सुधार सकते हैं। और देखो किस तरीके की बाइक्स है यहाँ पे, कुछ अजीबोगरीब दिख रही है मुझे, और बाप रे कैसे चलाते होंगे पता नहीं। सो दोस्तों अभी ब्रिज के ऊपर पहुँच गए हैं, बच्चे लोग यहाँ पर मज़ा ले रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो डॉग्स को लेके आ रहे हैं ना, इतने तरी तरीके के ब्रीड वाले डॉग्स आ रहे हैं यहाँ पर। भाई वो ब्लैक वाला ऐसे मुझे ऐसे कैसे 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 कैसा मजा आया क्या? हाँ, और वो ऐसे क्या होता तो गोल्डन डूडल वाला था ना, वो पूडल जैसा ही है, मिक्स पूडल और मिक्स गोल्डन रिट्रीवर, तो वो भी ना मेरे पैर। दोस्तों अभी हम लोग ब्रिज के स्टार्ट में खड़े हुए हैं, ठीक है अभी यहाँ से ब्रिज में चलेंगे, देखते हैं ब्रिज में जाने का मज़ा मतलब कैसा फील होता है। और बहुत ही मतलब उड़न का दिख रहा है दोस्तों मुझे यहाँ पे, देखो फ्रेंड है ना ये यहाँ पे उड़ दिख रहा है, जिसके नीचे में आयरन से पूरा मतलब आयरन का कंस्ट्रक्शन होगा, बट इधर तो उड़ दिख रहा है, सो दैट की बाइक एंड ऑल सब इजीली चल पाए अच्छे से, तो बाइक्स वगैरह चल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे रोड है इसके नीचे में, तो यह थोड़ा जाली वगैरह लगाया हुआ है हाइट के ऊपर, बट उसके बाद में जो ये रिवर है इसके यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मेरे शोल्डर लेवल पे ही दोस्तों इसका हाइट है, ठीक है बाकी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आके इजीली देख सकते हो जा रहे हैं अर्ली रिवर सर, काफ़ी अच्छा दिख रहा है दोस्तों, ये काफ़ी लोग किनारे बैठ कर फिशिंग कर रहे हैं। हाँ दो कैसा लग रहा है बेटा? अधीरा तो बहुत मज़ा ले रही है। सो दोस्तों अभी हम लोग ब्रिज के सेंटर में पहुंच गए हैं, तो इधर पूरा इधर साइड भी रिवर है, इधर साइड भी रिवर है, रोड थोड़ा उधर चले गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। ब्रिज बहुत ही अनोखा है जो कि रोड और रिवर दोनों को क्रॉस करके हम लोग उस पहाड़ की तरफ जाते हैं, तो दैट्स रियली वेरी नाइस। और ब्रिज के उस साइड दोस्तों पूरा जंगल है, फॉरेस्ट है, लोग हाइकिंग करने के लिए जाते हैं, सभी लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, तो चलो चलते हैं वहाँ पर। दोस्तों अभी हम लोग ब्रिज से पूरा इस तरफ में आ गए हैं, ठीक है तो हम लोग वहाँ से निकले थे, वहाँ से पूरा इस तरफ आ गए हैं और यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट है, आप देख सकते होंगे पूरे झाड़ वगैरह, बड़े बड़े झाड़ है और अंदर में लोग हाइकिंग करते हैं, बाइकिंग करते हैं, ये देखो बाइक वगैरह रखी हुई है यहाँ पर, तो लोग बाइकिंग करते हैं हाइकिंग करके, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों पूरा नेचर के करीब। आगे वही हाइकिंग वाला ही है। तो अभी दोस्तों यहाँ नीचे उतरने के लिए स्टेयर्स बने हुए हैं, स्टेयर से नीचे उतर के हम लोग यहाँ से भी जा सकते हैं, बट हम लोग अभी इतना चलेंगे नहीं, मतलब अंदर हाइकिंग करेंगे नहीं बच्चों को लेके, तो लोग इस साइड में आके फिशिंग वगैरह भी करते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पर जंगल में, देखते हैं फिर आगे क्या है। तो दोस्तों ये इधर जंगल में भी अच्छा खासा रोड बना हुआ है, तो लोग देख सकते होंगे दोस्तों आप साइकिलिंग करके आ रहे हैं, ठीक है यहाँ से पूरा अच्छा रोड दिख रहा है मुझे, और ये पूरा नेचुरल एरिया के नाम से ही है दोस्तों, ये फ्रैंकलिप नेचुरल एरिया। और यहाँ पर देखोगे आप ये वॉकिंग वाला है, यहाँ पर बाइकिंग नहीं हो पाएंगी, ठीक है तो जिस किसी को इस तरीके का रास्ता यूज़ करना है यहाँ से भी जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप फॉरेस्ट के अंदर में इधर से भी जा सकते हो बाइकिंग करके, तो दैट्स रियली गुड। चलते थोड़ा आगे में, बढ़िया अधीरा थक गई क्या बेटा? बहुत दौड़ी बेटा तू, हमको भी बहुत दौड़ाया तूने, मजा आ रहा है तू? अभी मजा आ रहा है कि पहले मजा आ रहा है? अभी मजा आ रहा है बोलते।
सो दोस्तों अभी हम लोग काफ़ी अंदर आए हुए हैं इस फॉरेस्ट के अंदर, बट बाहर से देखने पे ऐसा लगता नहीं दोस्तों कि अंदर में इतना अच्छा खासा रोड होगा, जाने का रास्ता होगा। ठीक है, बाहर से तो यहाँ पर कौन चल रहा कुछ दिखता भी नहीं, बट जैसे जैसे अंदर आ रहे हैं अच्छा खासा खुला खुला दिख रहा है। बाकी बाहर से तो पूरा पेड़ों से ढका हुआ दिखता है ये फॉरेस्ट। ठीक है, तो देख सकते होंगे दोस्तों छोटे छोटे बच्चे भी साइकिलिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर कोई आना चाहता है तो उनके लिए बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर 6 to 7 ट्रेल है इधर अंदर ही अंदर। तो आप किसी को अगर ट्रैकिंग करना है, बाइकिंग करना है, तो आप यहाँ पे बिंदास आ सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ पर काफ़ी लोग दिख रहे हैं मुझे साइकिलिंग बाइकिंग करते हुए। ठीक है, इशू साइड बेटा। तो अभी हम लोग और अंदर जाएंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि वापस आना भी पड़ेगा बच्चों को लेके पूरा अंदर में। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर ये एक तरफ जा रहे हैं लोग, ये भी एक तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे 6 to 7 टाइप के ट्रेल बने हुए हैं। इधर भी एक दिख रहा है मुझे, ठीक है, ये भी कहीं और तो भी कनेक्ट होता होगा ये ट्रेल। चलो चले अभी, अभी ब्रिज से होते हुए वापस हम लोग चलेंगे अपने रास्ते। आइसक्रीम लेते हैं अभी अधीरा के लिए, थोड़ा रिफ्रेश होते हैं। बच्चे आइसक्रीम का मजा ले रहे हैं। अद्दू कौन सी आइसक्रीम है बेटा? चॉकलेट। दिस इज ये कैपेचिनो, कैपेचिनो क्रंच। इद्दू मिंट मूस, मिनी मिंट मूस। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय बाय।